आइए अब हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या की। दिसंबर में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई बसपा प्रत्याशी श्रीमती कमलेश आर्या को भव्य समारोह में जिलाधिकारी अनिल कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या ने सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। उनको प्रशासन की ओर से लाल बत्ती की गाड़ी सौंप दी गई है। वे अपनी लाल बत्ती के वाहन से जिला पंचायत कार्यालय पहुंची और कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में चेयरमैन हाजी करार अंसारी, जिलाधिकारी अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी राधाकृष्ण, विधायक हाजी शप्पन ने श्रीमती कमलेश आर्या को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के दिशा निर्देश में वे जिले का चौमुखी विकास करेंगी। गाँव से शहर को आने वाले हर रास्ते और सड़कों का निर्माण हर हाल में कराया जाएगा। श्रीमती आर्या का कहना था कि गाँवों में गरीबों को स्वस्थ सुविधाएं मिलें, उनकी शिक्षा बेहतर हो, उसके लिए स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना जिला पंचायत करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती के आशीर्वाद व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में दी गई दलितों को विशेष छूट आरक्षण के कारण ही पहली दलित महिला जेपी नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने साफ कहा कि वे बिना भेदभाव के सभी जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों में विकास कार्य कराएंगी। इस मौके पर चेयरमैन हाजी करार अंसारी ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या अपनी पद की गरिमा को बनाए रखेंगी और जिले का चौमुखी विकास करेंगी। उन्होंने इस मौके पर उनको मुबारकबाद भी दी। बसपा जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्या ने सभी जिला पंचायत सदस्यों व दूर दराज से आए बसपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का कार्यक्रम में शामिल होने पर आभार जताया। जो सदस्य अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योतिबा फुले नगर निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। इसके बाद श्रीमती जो सदस्य जिला पंचायत ज्योतिबा फुले नगर निर्वाचित हुए हैं या हुई हैं, ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनुच्छेद रखूंगी तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा या करूंगी। आप लोग अपने को खुश करो सभी के शपथ पत्र एकत्र कर लें। खुशी का दिन है कि मकर संक्रांत के अवसर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या को शपथ ग्रहण कराई जा रही है। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और यीशु से प्रार्थना करते हैं कि उनके पदारोहण होने से जनपद में विकास की गंगा बहेगी और विकास बहुत ही गति से होगा। और मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके समय में बहुत अच्छा वातावरण है, जनपद खुशहाल है और विकास की ओर अग्रसर है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमलेश आर्या
एवं उनकी पूरे जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य को बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जिला पंचायत काफ़ी विकास कार्य जनपद में कराएंगी। जिस पद पर उनको चुना गया है वो अपने पद की जिम्मा को निभाते हुए क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। तो मैं फिर दोबारा से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। अहम खुशी की बात है, सरकारों का गठन तो हुआ आजादी के बाद, लेकिन ऐसे दबे कुचले लोगों को इन कुर्सियों पर बैठने का मौका बाबा साहब का दिया अधिकार आज जनपद ज्योतिबा फुले नगर में महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का संघर्ष, उससे पहले इस हिंदू धर्म में इन बहन बेटियों को बहाना तो बहुत दूर की बात थी। जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उनको इस नाम से पुकारा जाता था कि हम इस मंच के नाम से, इस मंच के माध्यम से उन सबको नहीं कहना चाहता। सर्वप्रथम इस गरिमापूर्ण अध्यक्ष पद पर अपने परिवार की सम्मानित माननीय सदस्य कमलेश देवी जी के इस गरिमापूर्ण अध्यक्ष पद पर शपथ लेने पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपने और अपने परिवार की ओर से उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। वास्तव में आज हम सभी परिवारजनों को बेहद खुशी है, बेहद गर्व अनुभव हो रहा है। तो मैं अपने अपने परिवारजनों की ओर से और अपने नगर क्षेत्र की ओर से भी उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है कि जेपी नगर में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कमलेश आर्या जी ने शपथ ली। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग जानते हैं कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तब तब इस उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। जिला पंचायत एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जिला पंचायत चेयरमैन और उनके साथ में उनका डिपार्टमेंट के जिला पंचायत सदस्य एक बहुत बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहनी चाहिए। उनका अपना एक मकसद है, जब जनप्रतिनिधि लोकसभा का होता है उसका एक दायरा होता है, जैसे विधानसभा का विधायक होता है उसका अपना एक दायरा होता है, लेकिन जिला पंचायत का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसका कोई दायरा नहीं, वो अनलिमिट होता है। उसके पास करोड़ों रुपया विकास कराने के लिए होता है, बशर्ते कि उसकी नियत साफ हो और विकास में कोई बाधा ना हो। तो जनपद जेपी नगर में जिसकी बुनियाद हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के नाम से इस जनपद का नाम दिया है ज्योतिबा फुले नगर, उन्हीं का ये जनपद बनाया हुआ है। उनकी चेयरमैन पर्सन आपके बीच में जनपद का विकास करवाएंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सीनियर साहब, एडीएम साहब, सभी को धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, काशीराम जी को नमन करती हूँ, बहन मायावती को अपना आदर्श मानते हुए और मंच के सभी मान्य विधायक जी और मान्य जोन कोऑर्डिनेटर आर के बर्मन साहब, मान्य विधायक हरी सब्बर साहब, मान्य मान्य
माननीय विधायक जी श्री मंगल सिंह सैनी साहब और सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, सभी प्रमुख चेयरमैन प्रधान क्षेत्र के पंचायत सदस्यगण, बसपा के सम्मानित पदाधिकारी गण एवं कर्मठ कार्यकर्ता, दूर दराज से आए मेरे सभी मेहमान अतिथिगण, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं पत्रकार बंधु सभी को मेरा जय भीम नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमि पर तथागत बुद्ध के बाद ऐसे दूसरे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत की भूमि से लुप्त करुणा मैत्री और लुप्त का फिर से स्थापित किया। मैं जनपद ज्योतिबा फुले नगर को पूर्ण विकास करने का प्रयास करूंगी। जनपद के प्रत्येक गांव को मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाला, बिजली, शिक्षा, अस्पताल आदि का विकास कराने का पूर्ण प्रयास करूंगी। धन्यवाद सभी को। जय भीम। खुदा हाफिज। जय भारत। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मेरे सभी सहयोगियों ने, मेरे साथियों ने, सभी जिला पंचायत सदस्यों ने जो मुझे सहयोग और मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचाया है। तो मैं सभी अपने साथियों का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से उन्हें धन्यवाद दे देता हूँ कि उनका सबसे बड़ा सहयोग मेरे सभी साथियों का, सभी मेरे सम्मानित सदस्यों का, सभी मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मठ सिपाहियों का सहयोग इसमें बनाने में रहा है। साथ में जनपद की तरफ से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के मामले में जनपद जोधपुर फूले नगर के प्रत्येक गांव में विकास कराया जाएगा। पूरी जो गांव से मूलभूत सुविधा से पिछड़े हुए गांव है, जहां तक आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, उन गांव में भी पूरा विकास कार्य कराए जाएंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ पूरे जनपद पर विकास कार्य कराए जाएंगे और जनपद जोधपुर फूले नगर का नाम उत्तर प्रदेश में एक इतिहास में लिखा जाएगा।